हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चिकन टिक्का। इस डेलिकेसी को, इस डिश को किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत टेस्टी होता है। हम जब भी बाहर खाना खाने जाते हैं तो चिकन टिक्का ज़रूर ऑर्डर करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी कबाब होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसे मैं 2 बार मैरिनेट करूंगी, जिसके लिए पहले मैं 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, फिर 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, फिर 1/4 का भी आधा छोटा चम्मच रेड ऑरेंज फूड कलर है, और आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है। रेड ऑरेंज फूड कलर से इसे एक बहुत अच्छा ब्राइट रेड कलर मिलता है। और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और 4 से 5 बड़े चम्मच नींबू का रस डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर करीब 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। इसे अच्छी तरह मिला लेना है। फिर 20 से 25 मिनट के बाद इसमें मैं दूसरा मैरिनेशन डालूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास करीब 250 ग्राम दही है, इसका मैंने पानी निकाल लिया है। इसे हम हंग कर्ड भी कहते हैं। इसे मैं चिकन में मिलाऊंगी, और इसके साथ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, इनको मैं चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसमें अब मैं डालूँगी करीब 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, इसे डालकर भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मेरा सेकेंड मैरिनेशन है, और इसे करीब 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। करीब 1.5 घंटे बाद ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, और अब इसे मैं पैन पर फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। पैन पर मैं करीब 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालकर और चिकन के 1-1 पीसेस डालकर कुक कर लूँगी। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाना चाहिए। बोनलेस चिकन को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है कुक होने के लिए। एकदम मीडियम हॉट ऑयल में इसे कुक करना है। ये चिकन टिक्का बहुत टेस्टी होता है। आप अपने घर पर किसी भी पार्टी के लिए एज अ स्टार्टर बना सकते हैं, या इसकी एक करी बना लें जिसे चिकन टिक्का मसाला कहते हैं। यह आसानी से बन जाता है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप घर पर किसी भी पार्टी के लिए इसे आसानी से बना सकते हैं। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे पलटकर दूसरी तरफ भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूंगी। ध्यान रखें कि चिकन टिक्का अच्छे से पक जाना चाहिए, और फिर इसे पुदीने की चटनी, बारीक कटे हुए प्याज और नींबू के साथ सर्व करें। ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे इस तरह से पलट कर हर तरफ से पका लेना है। ध्यान रखें कि चिकन टिक्का अच्छे से पक जाना चाहिए। पक जाने के बाद इसे मैं किचन टॉवल पर निकाल लूँगी, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल पूरी तरह निकल जाए। तो यहाँ पर चिकन टिक्का रेडी है सर्व करने के लिए। इसी तरह मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, इससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।